हेलो गाइस, रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि व्हाई वी आर नॉट गेटिंग शिप्ड इन द स्किप द डिशेस। सेकंड क्वेश्चन था बहुत सारे बॉट अवेलेबल है ऑनलाइन, सो आर दे सेफ और नॉट। और थर्ड क्वेश्चन था अगर बॉट यूज नहीं करना तो और कौन से तरीके अपन शिप्ड को लेने के लिए। सो इस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के अंदर दी है, सो प्लीज वॉच होल वीडियो। बहुत सारे लोगों को एक ही कंप्लेन है कि भाई जोन अवेलेबल नहीं है। मतलब आप जैसे स्किप द डिशेस में आप अकाउंट ओपन साइन अप करोगे तो सबसे पहले आपको जॉन पूछेगा कौन से एरिया में आपको डिलीवरी करनी है। एक्चुअली उसके पीछे दो रीजन है। पहला तो स्किप द डिशेस बहुत सारे ड्राइवर हो चुके हैं कनाडा में, तो वो न्यू यूजर को बॉडी नहीं करते। बट अगर आप ट्राई करोगे, जैसे कुछ ऐसे एरिया होते जहां पे बहुत कम लोग होते, और नाउ इट्स अ बेस्ट टाइम क्योंकि नवंबर आ चुका है। नवंबर विंटर का टाइम है और विंटर के टाइम के अंदर बहुत सारे लोगों को मिल जाती है। आप ट्राई करो, तीन एड्रेस है। पहला स्ट्रेथोय में कोई एड्रेस डालो, सेकेंड हैमिल्टन है और थर्ड है बर्लिंगटन। ये जो तीन एरिया है। बट रैंडम एड्रेस आपको किसी को जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो जुगाड़ कर लेना, मतलब फिगर आउट कर लो कैसे कर सकते हो। और यही है, वहां से मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को मिला है रिसेंटली में, तो मोर चांसेस है नवंबर में आपको मिल जाएगा। तो एक बार आपको अगर जॉन अवेलेबल हो गया तो आपको सबसे पहले साइनअप कर देना है, और एक बार आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका उसके बाद आपको 1 वीक या 2 वीक के बाद ऑपरेशन टीम को ईमेल करना है कि मुझे अकाउंट चेंज करना है, लोकेशन चेंज करना है। और आप जो एरिया में रहते हो वहाँ पे लोकेशन चेंज कर सकते हो इजीली। तो ये एक ट्रिक है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट अवेलेबल कैसे होती है उसके नेचर को आपको समझना पड़ेगा। जब भी शिफ्ट अवेलेबल होती है हम ट्राई करते हैं कि स्क्रॉल करते हैं और उसके बाद लेने की कोशिश करते हैं, बट ऑल ऑफ सडन वो शिफ्ट कोई और ले लेता है क्योंकि उसके पीछे एक बॉट होता है जो आई ब्लिंक करते उतने टाइम के अंदर ही वो शिफ्ट को ग्रैब कर लेता है। तो परफेक्ट टाइमिंग पता होना चाहिए कब शिफ्ट अवेलेबल होती है। तो मैं जब ट्राई करता था तो उस टाइम पे 6:15 फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट का स्लॉट रहता है, जैसे 6:15, 6:30, 6:45, 7। सो ये जो टाइम है ये टाइम के अंदर एग्जैक्टली 6:14 बोलिंग करोगे, 6:15 को एग्जैक्टली शिफ्ट ड्रॉप्स होगे, शिफ्ट उठा सकते हो। सेकंड चीज है एक्सटेंशन। तो यूजुअली जो मैं काम करता हूँ वो मैं सैटरडे संडे करता हूँ, और सैटरडे संडे मुझे एक्सटेंशन मिल जाता है। तो बहुत जगह पे आप बिजी एरिया में जाओ जहाँ पे आपका डाउनटाउन है कोई एरिया, तो उस बिजी एरिया में जाओ और वहां पे जाके आप जब भी एक्सटेंशन ऑन करोगे, अवेलेबल करोगे टॉगल को, तो आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। बट अगर आपको एक बार नहीं मिला तो एवरी 10 मिनट या 5 मिनट में वो अवेलेबल करो, ट्राई करते रहो तो मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाता है एक्सटेंशन। और एक बार आपको मिल गया, सब फॉर एग्जांपल आपका खत्म हो रहा है 2 PM को, तो आपको 1 PM पे स्टार्ट कर देना पड़ेगा उसको लेने के लिए। मतलब 4 मिनट या 5 मिनट के पहले आपको देखते रहना पड़ेगा, ग्रीन एरिया आपको दिखेगा, हाईलाइट एरिया हो जाएगा ग्रीन कलर का, और आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। तो एक एक ऑप्शन है एक्सटेंशन का। Why we are not getting shipped in the skip the DCs? तो उसके पीछे बहुत सारे ऑनलाइन बॉट अवेलेबल है, और वही बॉट आपकी skip the DCs के साथ में इंटीग्रेट हो जाता है, उसके बाद वो जितनी भी shift ड्रॉप होती है वो ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लेते हैं। तो दो एप्लीकेशन है जो मुझे पता है, तो फर्स्ट है shift grabber और सेकेंड है shift catcher, और कंट्री का नाम है। मैंने shift word यूज किया है क्योंकि इसमें shift word की जगह कोई और नाम है, बट आप जब भी एप स्टोर में जाओगे और वहां पर लिखोगे shift grabber तो आपको मिल जाएगा वो नाम। आपके सबसे पहले तो वो सेफ है या नहीं है तो वो आपके क्रेडेंशियल ले लेंगे, मतलब स्किप द डिशेस के आपको क्रेडेंशियल देने पड़ेंगे, और क्रेडेंशियल देने के बाद वो शिफ्ट ले सकते हैं। एवरी वीक लोग $18 उसके लिए पे करते हैं। स्टार्टिंग के वीक में वो लोग शिफ्ट आपको लेके देते हैं, बट उसके बाद बहुत सारे लोग कंप्लेन ऐसी करते हैं कि उनको शिफ्ट ही नहीं मिलती, मतलब समझो दिन के अंदर एक लेना है वो भी नहीं मिलती। तो ये एक इश्यू आ रहा है इस बॉट के साथ में, पैसे ले लेते हैं बॉट, बट बहुत सारे लोगों को शिफ्ट नहीं मिलती। और कैंसिल कराना, पेमेंट कैंसिल कराना बहुत ही डिफिकल्ट है। आई डोंट नो, आपको उनको पहले व्हाट्सएप के थ्रू वो कनेक्ट होते थे, अब टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे इश्यू है, आप वो इश्यू को फेस कर सकते हो, उनको मतलब रीच आउट करना पड़ेगा और मैसेज के थ्रू बात करके कैंसिल कराना पड़ता है। तो ये तो बात हो गई ऐप की। बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर मैंने ये बॉट डाउनलोड करे और कंपनी को पता चल गया तो क्या होगा। तो ये जो बॉट और ये जो सिर्फ ना मिलने की कहानी आज से 6 मंथ पहले हो चुकी थी मेरे साथ में। तो फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया कंपनी में, कॉल सेंटर में, और बोला उनको कि मुझे शिफ्ट नहीं मिल रही तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बस वही बोला कि अगर हमारी IT टीम काम कर रही है ये सब इश्यू के ऊपर,
और उसके बाद आज से 6 महीने ऊपर हो गया, बट आईटी टीम ने अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, तो मुझे नहीं लगता कंपनी सीरियस है इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको बॉट यूज नहीं करना क्योंकि बॉट सेफ एंड सिक्योर नहीं है, तो उसकी जगह आप कौन से ऑप्शन यूज कर सकते हो? तो मैंने दो मेथड फिगर आउट करी है, वो दोनों मेथड थोड़ी सी हार्ड है, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, सो थोड़ी हार्ड है, मैंने ट्राई किया है तो वर्क करती है। फर्स्ट है ऑटो क्लिक एंड सेकंड है कोडी। तो फर्स्ट बात करते हैं ऑटो क्लिक के बारे में। तो ऑटो क्लिक कैसे काम करता है आईफोन के अंदर, तो आप यूट्यूब में जाओ और वहां पे जाके ऑटो क्लिक जैसे ही टाइप करोगे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हो ऑटो क्लिक कैसे करना है। अब बात है स्किप द डिसीज में, तो स्किप द डिसीज के अंदर आपको 3 बार टैप करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम स्क्रॉल करना पड़ेगा, सेकंड टाइम आपको कौन सी शिफ्ट चाहिए उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और थर्ड टाइम आपको कंफर्म करनी पड़ेगी। मैंने ट्राई किया था, मेरे पास 2 टाइम हुआ बट उसके बाद काम नहीं करता, कभी 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 काम करता है। आप फिगर आउट कर लोगे अगर आप ज्यादा स्मार्ट हो, वरना मैं तो इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैंने ट्राई किया पर मेरे से हुआ नहीं। सो सेकंड मेथड है कोडिंग करना। तो जिसको भी ऑटो क्लिक काम नहीं कर रहा और जिसको कोडिंग आती है उसके लिए ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो मैंने जो स्टेप बाय स्टेप जो कोडिंग आती है वो मैंने लिख के रखी है पेपर में और मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो वो स्टेप को। बट कोडिंग कैसे करना है तो आप अपने आईफोन के अंदर ही कर सकते हो जिसमें स्किप द डिसीज की ऐप है आपके अंदर। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, शॉर्टकट में जाना है आईफोन के अंदर और शॉर्टकट में जाके वहां पे आपको एडिट करना है पूरा कोड, आपको रन करना पड़ेगा वहां पे। तो ये स्टेप फॉलो करोगे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप द डिसीज में मिल जाएगी, जैसे आपका क्रेडेंशियल डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड, वो सब चीजें। तो जैसे ही शिफ्ट ओपन होगी और ओपन शिफ्ट आएगी वो सीधा आप इजीली ग्रैब कर सकते हो जैसे बॉट ग्रैब करता है। और एक ऐसी एक यूट्यूब चैनल है जूलिया करके जिसने भी ये सेम इन्फॉर्मेशन उसमें बताई गई है, उससे भी सीख सकते हो कि कोडिंग कैसे करना है। सो शॉर्टकट में जाने के बाद सबसे पहले हम पहले लॉगिन स्ट्रक्चर बना देंगे, फिर उसके बाद 2 मेथड यूज करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट मेथड है पोस्ट मेथड और सेकंड है गेट मेथड, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको HTTP कैचर्स में से आपको स्निप्ड आउट करनी पड़ेगी और हम ऑल द कंफर्म शिफ्ट हम पोस्ट मेथड के अंदर रिक्वेस्ट करेंगे। और बट एक चीज़ याद रखना कि ऐप टोकन आपको जो यहाँ पर डालना पड़ेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जो पेपर में लिख के रखी है आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे मैंने पोस्ट करी है। एक बार कोड कंप्लीट हो जाए तो फिर इस साइकिल को आप 50 मिनट के स्लॉट पे रन करना जैसे मैंने आपको बताया था। सो इस तरीके से आप शिफ्ट ग्रैब कर सकते हो, ओपन शिफ्ट और कन्फर्म कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने रिसर्च करी हुई है और मैंने खुद ये जो जो चीज़ रिसेंटली मैं यूज़ करता हूँ वही चीज़ आपको मैंने बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, तो नेक्स्ट टाइम मैं कुछ अच्छा वीडियो और बना सकता हूँ और कुछ मोटिवेशन मिल जाएगी। इसलिए मेरे सब्सक्राइबर कुछ 100 के नीचे है, बट अगर कुछ सपोर्ट करोगे सब्सक्राइब करोगे और कुछ वीडियो बना सकता हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच।